अगर आप अपने बच्चों को मैगी खिलाते हैं तो हो जाइए सावधान, अगर आप खुद मैगी खाते हैं तो हो जाइए सावधान। यही मैगी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप मैगी खाते हैं तो आपको बच्चा भी नहीं हो सकता है। आपको मेरा बात जो है कि मजाक लग रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे मजाक करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे डंके की चोट पे बात करने आए हैं। इसी मैगी के बारे में बताने आए हैं और इसी मैगी के बारे में आप लोगों को दिखाने आए हैं। अगर आप ये मैगी ज्यादा खाते हैं तो आपको बच्चा नहीं होगा, ये डंके की चोट पे हम कहने वाले हैं। यहाँ पे मजाक करने कोई नहीं आया है और आपको सबूत के साथ दिखाने वाले हैं। यही मैगी देख सकते हैं कि ये मैगी है और किस प्रकार से ये मैगी है, जिस मैगी को हम लोग सुबह शाम नाश्ता के रूप में लेते हैं और नाश्ता के रूप में खाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये मैगी जो है कि कितनी जहरीली मैगी है। इसके बारे में जब हम जानना शुरू करेंगे तो हमको लगेगा कि ये मैगी हम ना ही खाएं तो बेहतर है। अगर इसके बारे में जो है कि अगर हम बताना शुरू करें तो आप लोगों को लगेगा कि हम मैगी खा रहे हैं तो बहुत बड़ा जो है कि मूर्खता हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सारा बात जितना भी बात हम बताएंगे सबूत के साथ बताएंगे। ये मैगी खाने की वजह से जो है कि किडनी में भी आपका असर हो सकता है और आपकी किडनी भी खराब हो सकती है इस मैगी को खाने की वजह से। और देखिए पूरा सबूत लेके आया और ये सबूत जो है कि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आपके शरीर के अनेकों हिस्से में जो है कि मैगी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां आ सकती है। आप अपने बच्चों को मैगी खिलाते हैं तो अपने बच्चों को भी मैगी खिलाने से पहले यही मैगी, आप देख सकते हैं कि यही मैगी जो यहाँ पे मैगी पड़ा हुआ है, अपने बच्चों को मैगी खिलाने से पहले 100 बार सोचिए। कैंसर का अगर आप में शिकायत आता है तो इसी मैगी की वजह से आता है, अगर आपके किडनी में शिकायत आता है तो इसी मैगी की वजह से आता है। आइए आप लोगों को दिखाते हैं, मैगी में लेड की मात्रा होने की वजह से आपको अनेक सारी बीमारियां हो सकती है। और इस मैगी में जो है कि एक केमिकल मिलाया जाता है, उस केमिकल का नाम दिखा सकते हैं यहाँ पे, उस केमिकल का नाम जो है कि इस मैगी में साइट्रिक एसिड होता है और वो एसिड मिलाने की वजह से जो है कि बहुत सारी समस्याएं होती है, गैस की, एसिडिटी की, इस प्रकार की अनेकों समस्याएं होती है। आप लोगों को हम बता दें इसी मैगी की वजह से। और देखिए ये मैगी का जो है कि मैगी के पॉकेट के अंदर जो है कि ये मसाला होता है, इस मसाले के बारे में भी आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इस मसाले के बारे में जब आप जानेंगे दोस्तों तो हैरान हो जाएंगे और आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगा कि सुबह सुबह जब ये मैगी का नाश्ता करके आप ऑफिस जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चों को टिफिन देते हैं, यही मैगी और ये मैगी आपके बच्चों के साथ क्या कर रहा है। हालांकि देखिए इस मैगी की कई सारी जो है कि खूबियां भी है, जैसे ये ग्रीन यहाँ पे दिखा रहा है, अगर यहाँ पे जो है कि रेड मार्क होता तो ये शाकाहारी खाने वाले इंसान नहीं खा सकते हैं, मांसाहारी वाले ही बस खाएंगे, लेकिन यहाँ पे ग्रीन का मतलब ये है कि शाकाहारी खाने वाले इंसान भी जो है कि इस मैगी को खा सकते हैं। लेकिन आपको ये भी बताएंगे लास्ट में चलते चलते कि आपको जो शुरू में हमने बताया कि क्यों आपका बच्चा नहीं हो सकता है ये इस मैगी का जो है कि सेवन करने से, ये बताएंगे आगे चल के, आप लोग वीडियो में बने रहे। अच्छा सोनू जी क्या बोलेंगे मैगी के बारे में? देखिए जो आप एक अच्छा मुहिम छेड़े हैं, और मैगी इतना खतरनाक होती है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, कि इसका सेवन करना हम अपना जीवन से अपने जीवन के खतरों के बराबर है, मतलब अब खतरों से खेलने के बराबर है। माफ करिएगा, आप जिस मैगी के लेकर के मुहिम छेड़े हुए हैं, इसका सेवन करना हमारा जिंदगी में खतरों से खेलने के बराबर है, क्योंकि ये पहले से फ्राइड किया हुआ रहता है और फ्राइड किए हो जाने की वजह से मात्र 2 मिनट बन जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैगी आप सड़क पे गिराए हैं, इस मैगी में फैट होता है, वो फैट ऐसा फैट होता है कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी कर देता है, या दस्त की कमजोरी हो जाती है और सीखने की क्षमता में भी कमी आ जाती है, और इतना ही नहीं जोड़ों के भी दर्द होने लगते हैं। जी बिल्कुल, और बहुत सारी तमाम जो बीमारियां हैं हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती है, और बच्चों के लिए तो खासकर बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ये चीज जो है पहले से फ्राइड है और इसमें ट्रांस फैट रहता है, और ट्रांस फैट हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है। आप भरोसा नहीं करेंगे और जो हम कहने वाले हैं उस पर आप जो है कि ताजुब करेंगे। अप्रैल 2019 में द गार्जियन न्यूज पेपर में एक रिपोर्ट छपा था, उस रिपोर्ट के बारे में बता दे कि जितने तंबाकू खाने की वजह से जितने लोगों का तबियत नहीं खराब होता है, या जितने लोग डेथ नहीं करते हैं तंबाकू खाने की वजह से, उससे ज्यादा जो है कि ये मैगी और फास्ट फूड खाने की वजह से उससे ज्यादा लोग मरते हैं और उससे ज्यादा लोगों का तबियत खराब होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप बता रहे थे तो हम सामने खड़े होकर के सुने तो सोचे एक बार हम भी गूगल कर लें, तो पहले ही गूगल किए तो ऊपर ही हेडलाइन लिखा हुआ है, आ रहा है कि मैगी से होने वाले 10 सबसे बड़े नुकसान के बाद लिखा है बर्बाद हो सकती है पीढ़ियां, मतलब आपके आने वाले जनरेशन पे भी इसका
इफेक्ट पड़ सकता है। और इसमें दिया गया क्या क्या नुकसान होगा, तो जोड़ों में दर्द होगा, ब्लड की कमी होगी, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहेगा, याददाश्त में कमजोरी हो सकती है, सीखने की क्षमता खत्म हो सकती है, और आप ही की नहीं आपके जो आने वाले बच्चे हैं, जो आपकी पत्नी से होने वाले बच्चे हैं, उन सब में भी यही बीमारी हो सकती है जो बीमारी आप में पाई जाती है। और जितना बात हमने इस मैगी के बारे में बताया वो सारी बातें हमने रिसर्च करके बताई है, और ऐसे ही नहीं हम बोल रहे हैं, डंके की चोट पे अपनी बात रख रहे हैं, और डंके की चोट पे बस यूं ही नहीं रख रहे हैं। ये देख सकते हैं कि यपी मैगी है, मैगी भी दो तीन प्रकार का मैगी होता है, जो कि ये नेस्ले वाला दो मिनट में यूं चुटकियों में बनने वाला ये मैगी है जो हमारे हाथों में अभी आप देख रहे हैं, और ये जो है कि यपी मैगी है। और इन सबकी जानकारी आप भी रख सकते हैं, और इस सबके बारे में रिसर्च आप भी कर सकते हैं। अगर भरोसा नहीं होता है तो आप गूगल करके देख सकते हैं, और गूगल पे आप देख सकते हैं। एआई के जमाने उसे पूछिए, एआई का जमाना है, एआई के जमाने में पूछिए। और देखिए शुरू शुरू जो हमने बोला था कि अगर आप ज्यादा ज्यादा मैगी का सेवन करते हैं और ज्यादा मैगी खाते हैं तो आपका बच्चा भी नहीं होगा, जी हाँ, हमने वो मजाक नहीं किया था, वो बात सच में डंके की चोट पे बोला था। और आप सबको दिखा सकते हैं हम कि मैगी में स्वाद बढ़ाने के लिए, मतलब ज्यादा स्वादिष्ट आपका मैगी लगे, मैगी में स्वाद बढ़ाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है। इससे जो है कि पुरुष का प्रजनन, जो प्रजनन का प्रक्रिया है यानी कि बाल बच्चा होने का प्रक्रिया है, उसमें कमी आ सकती है और बाल बच्चा नहीं हो सकता, इसीलिए हमने बोला था। और ये बात आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा। और जिस मैगी को हम लोग जो है कि अपना नाश्ता बनाते हैं, उस मैगी का हाल ये है, उस मैगी के मसाले का हाल आप देख सकते हैं कि मसाले का हाल जो है कि यही है, ये है मैगी का मसाला, ये मैगी का मसाला जो हमको एक रोज प्रतिदिन बर्बादी की ओर लेके जा रहा है, यही है वो मैगी का मसाला जो प्रतिदिन हमको बर्बादी की ओर खींचता लेके जा रहा है, ये मैगी का मसाला। और सारा चीज जो है कि रिसर्चेबल है, और रिसर्च करके बोल रहे हैं, और डंके की चोट पे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। बाकी अगर आपको मैगी खाना है तो आप खुशी से मैगी खाइए, लेकिन रोजाना और ज्यादातर मैगी मत खाइए, कभी कभार महीने में एक दो बार हो गया खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान आपको नहीं होगा, लेकिन प्रतिदिन मैगी का सेवन नहीं करिए।